करनाल के निसिंग में उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में आपस में गोलियां चल गई। गोलियां चलने से आसपास दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष रिश्तेदार हैं और किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही है। इस दौरान एक 12 साल का बच्चा घायल हो गया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने रिवॉल्वर व बंदूक बरामद करने के साथ दो लोगों को भी काबू किया। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि निसिंग में गुलरपुर रोड पर गोलियां चली हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने बताया कि इनमें आपस में रिश्तेदारी है और 2016 से रंजिश का मामला चल रहा है। उसी के तहत यहां पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा गोलियां लगने से घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौके से बंदूक के खोल व बंदूक और लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त कर लिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा एवं उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना से आसपास के एरिया में दहशत का माहौल व्याप्त है। सर, ये एक तरफ तो प्रेम जी हैं, एक तरफ राजेश जी हैं, जिनका यहाँ आने पर मुझे पता लग गया है कि 2016 में भी कोई मुकदमा दर्ज था, 269 नंबर 2016-306 IPC, जिसकी वजह से आपस में दिल में रीस थी। जो आज ये राजेश जी जो अपने कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और सामने प्रेम जी का मकान है, जो सुबह सूचना मिली भी कि मतलब राजेश जी ने कंप्लेंट करने गया कि भाई मेरे जो मन रेता डाल रखे उसको प्रेम जी डंगर बांध रहे हैं। मैंने साथ साथ अपने दो मुलाजम भेज दिए, साथ साथ राजेश जी के साथ आने लग रहे थे, तो इतनी देर में आकर देखा तो कुछ ही डिस्टेंस पे, करीब 100 मीटर की दूरी पे मेरे मुलाजम ने फायर की आवाज़ सुनी, जिसने मेरे को इन्फॉर्म किया। जो सूचना पाकर मौके पर तुरंत पहुँचने पर देखा तो वहाँ पर काफ़ी खाली खोल और जो दीवार के अंदर जो कंस्ट्रक्शन दीवार थी उसके अंदर भी छरे लगे हुए थे। जो सूचना पाई कि जिद आकर के देखा तो और किसी लड़के का, एक कोई करीब 10 साल का लड़का है, जिसके थाई में दो छरे लगे हैं, जिसको उठा करके मौके पर इलाज के लिए भेजा गया। और जो मौके पर अपने एक्यूट थे प्रेम जी और एक रमेश जी, जिनको काबू कर लिया है और दोनों हथियार बरामद कर लिए गए हैं। कौन से हथियार से गोली चली है? हथियार दोनों से चली है, राइफल से भी और रिवॉल्वर से भी। लाइसेंस है जी? लाइसेंस सामने अभी देखने में आया कि लाइसेंस ही बता रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस पेश करेगा उसके बाद भाई को जो भी और क्लियर किया जाएगा। कितने खोल बरामद हुए? खोल करीब दो तो खाली खोल इसके राइफल के हैं और मेरे ख्याल में 8 या 10 राउंड रिवॉल्वर के हैं। तो लेकिन जो भी अभी तक बयान अंकित नहीं हुए हैं, बयान अंकित होने पर जो भी तथ्य सामने आएगा, मैं किस वजह से क्या हुआ, जो बिल्कुल, मैं तो एक ही बात आप सभी भाइयों को कहता हूँ कि जे इसके अंदर बिल्कुल निष्पक्षता से और सच्चाई जान करके कार्रवाई में मिलाई जाएगी। जो भी सच्चाई होगी वो भाइयों के सामने दोबारा करेंगे। मामला कहाँ से शुरू है? किसी बाड़े को लेकर कुछ ऐसा नहीं? आज मैंने जो भाइयों को बताया है कि जो ये ऑकरेंस घटना घटी है, उससे 5 मिनट पहले जो राजेश जी मेरे पास थाने में गए थे, थाने में उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि जो मेरा रेता मैंने डाल रखा कंस्ट्रक्शन के लिए उसके ऊपर पशु बांधते हैं। उसी टाइम साथ साथ मैंने दो मुलाजम भेज दिए थे, जो भेजे तो जो घटनास्थल है इससे करीब 100 मीटर की दूरी में पीछे, तो मेरे मुलाजम ने इसकी फायर की आवाज़ सुनाई दी, जिसने मेरे को बताया कि इस तरह फायर हो चुके हैं। तो मैं मौके पर पहुंचा। जाँच के लिए पर मौके पर अपने DSP साहब हसन और मेरा पूरा सहयोगी स्टाफ और मेरी जो सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर बुलाई गई है, जो मौके से जो भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं सीन ऑफ क्राइम टीम ने मुझे उठा कर दिए हैं, जो कब्जा पुलिस में लिए गए हैं। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे की हालत, वो ऐसी कोई खतरे है, इसके ऊपर अपने DSP साहब हसन और मेरा पूरा सहयोगी स्टाफ और मेरी जो सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर बुलाई गई है, जो मौके से जो भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं सीन ऑफ क्राइम टीम ने मुझे उठा कर दिए हैं, जो कब्जा पुलिस में लिए गए हैं। बच्चे की हालत वो ऐसी कोई खतरे से बाहर है, क्योंकि थाई में ही सर को छरे लगे हैं और जिसको एक्सरे के लिए ही करनाल हॉस्पिटल भेजा गया है। किस पक्ष का सर बच्चा हो जिसको गोली लगी है सर? ये राजेश पक्ष का था। और किसी को भी चोटें आई हैं सर? और चोटें जो 3 MLR बताई है, जो मेरा साथी वहाँ पर बयान के लिए गया है, 3 MLR कटी हैं
जो अभी जो बयान लिखवाएंगे उसके ऊपर जो भी भाइयों के सामने होगा तथ्य सामने रखे जाएंगे। किसी पुराने मामलों को जोड़ कर देखा जा रहा है, पुरानी रंजिश के चलते जी ये तो देखो वो सभी के सामने है कि मैंने बताया था 2016 का मुकदमा नंबर 269/306 IPC का। अब कोई भी चीज़ है अगर कोई एक बार नहीं हो जाती है तो पिछले तो गड़े उगड़ते ही है, तो अब जो भी सामने तथ्य सामने आएगा किस डिफेंस में या किस वजह से झगड़ा हुआ है तो फिर बार बार हम पाए। अभी गिरफ्तार तो अपने मैंने कब्जे में लिया है कि FIR लॉज हो जाएगी, तो जिसको मौके से जो स्थिति में भागते हुए प्रेम जी और रमेश जी को मैंने कब्जे, दोनों एक ही पक्ष के हैं सर, दोनों एक ही पक्ष के हैं जिस तरफ से फायर हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.